रात्रि क्लास चल रहा था, 27, 12, 1967। बात चल रही थी। आत्मा जब तमोप्रधान बनती है तो सब कुछ तमोप्रधान मिलता है, और आत्मा सत्वप्रधान मिलती है बनती है तो सब कुछ प्योर मिलेगा। ये पांच तत्व हैं, वो भी सत्व प्रधान बन जाते हैं, एवरीथिंग सत्व प्रधान। अभी इस समय में तो तमो प्रधान है, और सारी दुनिया के लिए कहा जाता है तमो प्रधान, उसमें सब आ गए। और फिर जब सतयुग होता है, नाम ही है सत्य का युग, तो कहते हैं साहब सत्व प्रधान। अभी झूठ का युग है, घड़ी घड़ी झूठ, तो सब कुछ तमो प्रधान। पहले तुम बच्चे सत्व प्रधान थे, पीछे तुम तामस प्रधान बने। और बने कैसे है, कैसे बने है? अनेक जन्म लेते गए, अनेकों के संग के रंग में आते गए और नीचे गिरते गए। तो सो तो बाप ने समझाई दिया है, कैसे कैसे तुमने एक एक युग में कितने कितने जन्म लिए। युग सत्व प्रधान तो जन्म थोड़े, युग रजस प्रधान तो जन्म बढ़ गए। तामस प्रधान युग है तो देखो कितने जन्म हो जाते हैं। तो इतने 84 जन्म लेते लेते गिरते गिरते इसको कहा जाता है एकदम उतरती कला। तो फिर उतरती कला होती है अनेकों के संग के रंग में। अब चढ़ती कला कैसे हो, चढ़ती कला होगी एक के संग के रंग से। कौन सा एक है? हाँ, एक शिव बाप के संग में नहीं कहेंगे, नहीं, संग तो तभी होता है जब दो हो, है आत्मा भी ज्योतिबिंदु, आत्माओं का बाप भी ज्योतिबिंदु, तो वो तो एक ही हो गए। नहीं, एक नहीं हुए है, दो ज्योतिबिंदु। कैसे? आत्मा जब ज्योतिबिंदु स्वरूप बन गई तो फिर बाप समान नहीं हुई है। जो भी आत्माएं ज्योतिबिंदु बनेगी, वो जैसे कहते हैं ना, सागर के बुलबुले छोटे बड़े सागर में मिल गए तो सागर बन गए ना, तो एक ही तो हो गए। तो एक जैसे नहीं, दूसरा चाहिए। तो दूसरा क्या? दूसरा है फिर है आत्मा की अपोजिट, आत्मा सूक्ष्म,
तो शरीर विस्तार में चाहिए। तो देखो, एक परमपिता को भी फिर माता चाहिए। माता देवहन वाली या आत्माभिमान? आत्मा है तो फिर क्या होगा? ऊंची स्टेज रहेगी। अगर है माता आत्माभिमानी है तो ऊंची स्टेज या नीची स्टेज? ऊंची स्टेज। ऊंची स्टेज है तो सुख और नीची स्टेज है तो दुख। तो उतरती कला में दुख ही दुख होता है, इसलिए कहा जाता है उतरती कला और चढ़ती कला। तो देखो, तुम बच्चों को चढ़ती कला थी जबकि तुम देवता थे, है? देवता माने सुख देने की इच्छा करने वाले थे, लेने की इच्छा वो नहीं। तो चढ़ती कला और उतरती कला पर तो सब शूद्र बन गए। जहां जाएंगे लाओ दियो। शूद्रों का काम क्या है? हैं? लेवता या देवता? लेवता। अभी क्या करना है? अभी क्षुद्र से फिर चढ़ती कला में। इसलिए बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। वो तो गाते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। चढ़ती कला होती है जिनकी, तो उनकी निशानी है वो सर्व का भला करने में लगे रहते हैं कि सिर्फ अपना ही भला करने में लगे रहते हैं? है? सर्व का भला करने में लगे रहते हैं तो चढ़ती कला। स्वार्थी है तो उतरती कला। रथी का मतलब ही है शरीर। तो सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। क्या? सर्व का सदगति दाता है और सर्व का भला होने का है। किसके द्वारा? जो सर्व का सदगति दाता है। कौन है सर्व का सदगति दाता? है? अरे जल्दी से एक अक्षर लिख दो। है एक कौन? शिव ज्योति बिंदु। मेरी आत्मा का नाम बिंदु है। है? वो सदगति करता है, उसकी खुद की सदगति है? है? सदगति तो शरीर से होती है, है? और शरीर से ही दुर्गति होती है। सदगति शरीर से सदगति कब? रहे शरीर में लेकिन सच्ची गति क्या? देह के भान में न रहे, आत्मिक स्थिति में रहे तो सदगति। तो सर्व का भला होने का है, मना सदगति करने वाला साकार होना चाहिए या नहीं? साकार होना चाहिए। सिर्फ निराकार है तो सदगति होगी? है तो सदगति नहीं। तो अभी बच्ची सदगति होने की है, क्योंकि अगर विचार किया जाए कि सतयुग में जब तुम देवात्माएं थे ना, तो वहां सदगति थी, क्योंकि
सदगति एक से होती है या अनेकों से होती है? एक से सदगति, अनेकों से दुर्गति। तो एक से एक ही धर्म बनेगा, एक ही धारणा बनेगी, या अलग अलग धारणा है, तुंडे तुंडे मत्र भिन्न, एक धारणा बनेगी। तो एक से एक धर्म, एक राज्य है, एक कुल, एक ही मर्यादा, एक मत, एक ही जैसी भाषा। तो इस समय में देखो अब इस दुनिया में क्या है, यहां तो अनेक धर्म हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक राजा हैं, अनेक भाषाएं। तो जो अनेकता है वो एक का उपक्रम है क्या? नहीं, ये तो अनेकों की बातें हैं। कितनी संस्थाएं, कितने उनके हेड्स, कितने मनुष्य, कितने उनके मुखिया, कितनी सेंसेस है। आदमशुमारी देखो कितनी बढ़ गई। अब सत्ययुग में तो इतनी आदमशुमारी नहीं थी, थोड़ी थी या ज्यादा थी? थोड़ी थी। क्यों? क्योंकि बात वो वहां तो एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी। सत्ययुग में दो पत्नियां होती हैं क्या? दो चार नहीं, एक कि अनेक? एक का संग। सोलह कला संपूर्ण जो आत्मा देवता बनती है वो भी है, राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में। तो सत्ययुग में आबादी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। सत्ययुग में बहुत थोड़े, झाड़ी बहुत छोटा। पीछे देखो फिर वृद्धि को पाया है, मल्टीप्लिकेशन, और करते करते देखो 500 करोड़ हो गया। अब फिर सतयुग आता है तो फिर थोड़े मनुष्य होंगे। क्यों? क्योंकि सत्य तो दुनिया में कितने होते हैं? अनेक सत्य होते हैं कि एक होता है? एक सत्य होता है। तो एक सत्य है, बाकी असत्य ढेर हैं। तो एक से जो स्थापना होगी वो थोड़े मनुष्यों की होगी या अनेकों की होगी? थोड़ों की होगी। तो वर्ल्ड में सुख और शांति होती है, वो गाते हैं ना बच्चे, वर्ल्ड में शांति। तुम बच्चों को समझाया है कि सतयुग में तुम जब राज्य करते थे तो कोई भी प्रकार की वहां अशांति नहीं थी, बिल्कुल ही एकदम अशांति नहीं, एकदम शांति। तो वो सतयुग है इस दुनिया में शांति की शुरुआत, और कलयुग है अंत। तो फिर ये तो पुरानी दुनिया, खलास। इस समय में बाप आकर के फिर से तुम बच्चों को वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मनुष्य ऊंचा या देवता ऊंचा? मनुष्य को मन होता है चंचल, और देवताओं का मन होता है अचल, स्थिरियम, के अनेकों में बुद्धि जाती है नहीं। तो मनुष्य से श्रेष्ठ हुए देवता, और फिर गाया भी जाता है
मानुष्य देवता की एक रतन लागी बार। मनुष्य को देवता बनाने में देर नहीं लगी। अरे क्यों देर नहीं लगी, क्या हुआ है? किसको देर नहीं लगी? जिसका मन सदा एकाग्र रहता है, सदा शिव, एक आत्मा सुप्रीम सोल, एकाग्र है या चंचल है? सदा एकाग्र। देखो इस पतित दुनिया में आते हैं, अशांति की दुनिया में आते हैं, तो भी अशांति होती है, है? हाँ, अशांति का नाम निशान नहीं। तो देखो क्या बनाते हैं, चंचल को अचल बनाई देते हैं। कौन? जो खुद अचल स्टेज में है तो दूसरों को अचल बनाएगा। तो देखो उनको देर नहीं लगती है। कब कब देर नहीं लगती है? अगर मनुष्य जो मन चंचल वाला है उसको मन को, मन रूपी घोड़े को बुद्धि की लगाम लगाई दी है? बुद्धि है ना, तो बुद्धि तो श्रेष्ठ हुई ना, मन को कंट्रोल करने वाली हुई ना। हाँ, तो मनुष्य को मन है, तो जो मनुष्य है, मनुष्य मात्र, उनमें जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मनुष्य है जिसका मन बहुत चंचल भी बनता है और सबसे जास्ती अचल बनाने वाले का संग करता है, तो बहुत ही अचल भी बन जाता है। तो जब एकाग्र मन होता है संग के रंग से, किसके संग के रंग से, जिसका मन सदा एकाग्र, जिसका बुद्धि सदैव एकाग्र है। हाँ, एकाग्र है, एक के आगे है या अनेकों के आगे है? एक के आगे। कौन एक के आगे? एक मुकर्र रथ है अर्जुन का, है जिसमें बुद्धि एकाग्र रहती है और जिसमें प्रवेश किया वो अर्जुन, उसका क्या हाल है? सदा एकाग्र रहती है? उसकी सदा एकाग्र नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वो तो मन वाला है या नहीं है? हा? बल बाप आते हैं तो मन को कंट्रोल करना सिखाई देते हैं, एकाग्र करना, एक के आगे रहो। तो आदि नारायण कहो, आदम की आत्मा कहो, जब एक अग्र होती है एक के आगे, कौन सी एक के आगे होती है, किस एक के आगे हो जाती? ऊपर वाले के आगे हो जाती। अच्छा, ऊपर वाला तो निराकार है, तब सतयुग आता है। एक कौन? एक ऐसी आत्मा। हाँ, नहीं तो फिर किसके आगे हुई है? मुकर्र रथ में हिस्से आया और फिर किसके आगे हुई है? क्या कहेंगे? शिव आया तो एक के आगे आया, एक आग्र हुआ एक के आगे, तो वो एक ही जैसा है या अंतर है? है? शिव एक के आगे आया, जिस एक के आगे आया वो दोनों अगर टैली किए जाए तो अंतर है या नहीं? अंतर तो है। तो उस एकाग्र को जिसके आगे आया वो तो चंचल बुद्धि, एकदम तामसी, कैसे बन गई?
मन के कंट्रोल में आ गई बुद्धि। किसके कंट्रोल में आ गई? मन जो है, जो चंचल घोड़ा है, बुद्धि को, हाँ, बुद्धि ने थोड़ा ढील दे दी लगाम की, तो क्या हुआ, घोड़ा नीचे जाएगा, सरपट दौड़ेगा या रुकेगा, एकाग्र होगा, एक जगह टिकेगा, नहीं टिकेगा। तो बताया मुख्य बात क्या हुई है, मनुष्य जिसको मन है और 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, तो वो देवता कैसे बने? मन को एकाग्र करें, मन एकाग्र करे तो फिर एकाग्र हुआ और एक सेकंड नहीं लगेगी। परंतु किसे के एकाग्र हो? ज्योतिबिंदु के है? नहीं, ज्योतिबिंदु वो तो खुद ही आता है, तो जिसका संग करता है वो अंतर है उसके साथ के नहीं, वो निराकार ज्योति बिंदु है या साकार है? हाँ, देवान में है या निराकार है? टोटल देहभान में है। तो बताया कि असली स्वरूप क्या है? है, असली स्वरूप है तुम आत्मा हो, मेरे समान, मेरे समान आत्मा हो, तो अपन को आत्मा समझो, और आत्मा समझ करके मुझ आत्मा को याद करेंगे तो तुम मेरे समान बनेंगे। लेकिन ऐसे नहीं बनेंगे कि तुम देह को छोड़ दो, नहीं, देह को ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो जैसे मैं सन्यासी हूं, शिव सन्यासी है या सदा गृहस्थी है? मैं सन्यासी हूं तो तुमको सदा सन्यासी रहना पसंद है? सुख सन्यास में है या प्रवृत्ति में है? प्रवृत्ति में सुख है। तो बताया प्रवृत्ति का मतलब ही है एक के प्रति वृत्ति, वृत्त माने गोल चक्कर को कहते हैं वृत्ति। तो ये दुनिया में गोल चक्कर है क्या? सतयुग से कलयुग, कलयुग से सतयुग, सतयुग से कलयुग, कलयुग से सतयुग, ये गोल चक्कर घूमता ही रहता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दिन से रात, रात से दुख, सुख से सुख से दुख, दुख से सुख, ये चक्र घूमता रहता है। तो चक्र कब घूमेगा है? दो रूप होना तो दो चाहिए, ऐसे नहीं के जिस तन में मुकर रथ में प्रवेश किया तो वो तन छूट जाए तो फिर वो एकाग्र हो तो प्रवृत्ति बनेगी है? नहीं बनेगी। माने तन से पुरुषार्थ भी करना है, बिना तन के पुरुषार्थ होगा नहीं। तन से पुरुषार्थ करे और पुरुषार्थ करते हुए भी क्या मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। किसके एकाग्र है? किसके एकाग्र हो जाए? ऐसे के एकाग्र हो जाए जो अपने जैसा ना हो। जैसे शिव इस सृष्टि पर आता है तो संग का रंग जिसको लगाता है वो अपने जैसा है? शिव जिसको संग का रंग लगाता है वो अपने जैसा है? नहीं है। तो ऐसे ही जिस मुकर रथ में शिव ने प्रवेश किया वो भी है प्रैक्टिकल रूप पकड़ना चाहिए। क्या अगर प्रवृत्त होना है तो क्या प्रवृत्ति? किसके साथ प्रवृत्ति है? एक ही सेक्स होगा तो प्रवृत्ति,
या अपोजिट सेक्स होगा तो प्रवृत्ति है, अपोजिट सेक्स हो तो स्वयं तो पुरुष है, है? भले मन बुद्धि के आधार पर मन बुद्धि को बाप आकर के ऐसी स्टेज में स्थित कराते हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर भाव है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, आत्मा, ये भाव खत्म हो जाए। तो पुरुष है तो उसको पुरुष पने का भाव है, तो भाव खत्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे तो मां चाहिए। प्रवेश करता है पुरुष तन में और चाहिए क्या, माता चाहिए, माना स्वभाव संस्कार से क्या चाहिए, सहनशील वाली माता चाहिए। पुरुष में सहनशीलता होती है, पुरुष में उतनी नहीं होती है, और माताओं में, कन्याओं में सहनशीलता होती है। क्यों क्यों होती है, है? सहनशीलता, हाँ, माताओं में सहनशीलता इसलिए होती है कि माता जो है वो पुरुष के मातहत होकर के रहती है, असिस्टेंट होकर के रहती है। अगर स्त्री असिस्टेंट बन करके न रहे तो क्या होगा, झगड़ा होगा कि नहीं है? तो आज की दुनिया में झगड़ा क्यों है? है, जो अपोजिट सेक्स है वो भी समान सेक्स बनना चाहता है, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिला कौन सा शरीर, पुरुष को शरीर मिला तो पूर्व जन्म के हिसाब से मिला, स्त्री का चोला मिला तो पूर्व जन्म के हिसाब से मिला। पुरुष अगर पुरुषपने के भान में रहता है तो ज्यादा भान दिखाएगा, देह भान, दुर्योधन दुशासन पने में रहेगा तो फिर उसको उजूरा क्या मिलेगा अगले जन्म में, स्त्री चोला मिलेगा। हा, स्त्री चोला है, पुरुष भान में रहेगी, है? पुरुष की याद में रहेगी तो अंत मते सोगति, तो पुरुष रूप मिलेगा। तो ये हिसाब है, मनुष्य को देवता बनाने के लिए क्या करना पड़े, है? आत्मिक स्थिति में स्थिर होते हुए भी देह के पुरुषार्थ का, देह से पुरुषार्थ करना है या देह छोड़ देना, देह से पुरुषार्थ करना है, देह रहे भी लेकिन देह का भान बाना, लेकिन उसमें फिर नंबर बार बन जाते हैं, एक जैसे तो पुरुषार्थ सब नहीं कर सकते। तो देखो, देर तब लगती है जब आत्मिक स्थिति में टिकने में देर होती जाती है, तो देर लगती है। तो देखो, कहा जाता है ना, सेकंड में बाप की बादशाही। तो अगर ये प्रैक्टिस पक्की कर ली कि एक सेकंड में देहभान से आत्माभिमान में, एक सेकंड में आत्माभिमान से देहभान, एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में आकारी, क्या आकारी माने शरीर स्थूल भी नहीं है, शरीर स्थूल की याद नहीं है तो भी क्या करे, ईश्वरीय सेवा के मनन चिंतन मंथन में रहे, नहीं बाप की याद में, आत्माओं के बाप की याद में रहे। तो साकारी कहेंगे या साकारी से अलग कहेंगे, अंतर हो गया, अंतर हो गया। तो वो अंतर में रहना सीखना है, क्या प्रैक्टिस करनी है घड़ी घड़ी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी। अब इस सृष्टि में
जो आकारी बनते हैं है? वो थोड़ी आत्माएं हैं या बहुत ज्यादा आत्माएं हैं? आकारी भी दो प्रकार से, एक होता है मनन चिंतन बंधन में रहे, ईश्वरीय ज्ञान के बंधन में रहे, नई दुनिया के चिंतन में रहे, पुरानी दुनिया भूल गई। तो मन बुद्धि से आकारी बने या देह छोड़ दी है? हाँ, तो ये है श्रेष्ठ स्थिति आकारी बनने की। और एक होता है देह छूट गई है, देह छूट गई कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए, और फिर आकारी स्टेज धारण की, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, स्थूल शरीर नहीं है, है ना? तो न पाप बनता है न पुण्य बनता है। बनता है, पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो बताया कि इस सृष्टि में एक आत्मा तो ऐसी है मनुष्य सृष्टि में, मनुष्यों के बीच में, जो ऐसी 100% आकारी स्टेज धारण करती है, जिसमें मनन चिंतन मंथन की स्टेज ही रहती है। क्या शरीर नहीं छूटता? शरीर से पुरुषार्थ होता रहता है या नहीं? शरीर से पुरुषार्थ होता है। तो ऐसी स्टेज धारण कराने के लिए बाप आते हैं, परंतु बनेगी तो सब नंबर वार, कुछ न कुछ अंतर होगा कि नहीं? अंतर हो जाता है। तो बाप जब, हाँ, बाप के जब बच्चे बन जाते हैं तो जरूर बादशाही वाले बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? बाप के बन गए तो बाप जैसे बने, समान बने। बाप ने बिंदु तो बच्चा भी बिंदु। जब सुन जाते हैं तो बुद्धि में बैठती है कि बात तो सही है। क्या क्या सही है? कि हम देह नहीं है, ये देह तो छूट जाती है, खलास हो जाती है, लेकिन हम तो फिर भी इस सृष्टि में रहते हैं या नहीं रहते हैं? हाँ, इस सृष्टि में आत्मा तो फिर भी जाके दूसरा जन्म लेती है। तो थोड़ी ये बात भी बुद्धि में बैठती है कि हम आत्मा हैं, तो देखो बन जाते हैं, फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहते हैं ना बच्चे, कहते हैं शिव बाबा शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं ये शिव बाबा, ये कोई मुख से नहीं कहना है। क्या क्या करना है? मुख से नहीं कहना है तो अंदर से शिव बाबा को याद करना है। सिर्फ शिव को या बाबा को भी? हाँ, सिर्फ शिव कहे तो वो तो आत्मा है, वो कभी बाबा ग्रैंडफादर बनता ही नहीं, कोई भी दूसरा संबंध नहीं। उसका संबंध आत्माओं के साथ बाप और बच्चे का ही संबंध है। फिर जब वो मुकर्रर शरीरधारी में प्रवेश करता है तो फिर अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। तो उस मुकर्रर शरीरधारी में प्रवेश किए हुए शिव बाप को याद करना बुद्धि से, वो हुआ शिव बाबा को याद करना। अगर सिर्फ ज्योति बिंदु को याद किया तो शिव बाबा को याद किया? नहीं किया। तो मुख से कहने की बात नहीं है शिव बाबा, अंदर से याद आए क्या कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा की याद में हूं, जिस शिव बाबा को मैं शिव बाबा कहता हूं कहती हूं, वो शिव बाबा है, शिव ज्योति बिंदु भी है और साकार में बाबा भी है, है कि नहीं? हा, तो अंदर में ये याद करना है शिव बाबा है। शिव निराकार बिंदु को कहते हैं और बाबा है,
साकार को कहते हैं। और दोनों का मेल एक ही शरीर में हुआ, निराकार और साकार, तो उसे हुआ बाहुबल। जिस शरीरधारी में मेल हुआ उसकी आत्मा को बाबा कहोगे, क्या कहोगे? कि जो निराकार है उसको बाबा कहोगे? है हाँ, वो निराकार शिव जो उसमें प्रवेश है ना, वो बाबा याद आए। उस साकार वाली आत्मा वो तो पतित है या पावन है? वो तो पहले पतित है ना, तो शिव बाबा याद आए। अभी आप हमको ये नॉलेज दे करके सृष्टि के आदि मध्यंत की है, ये नॉलेज दे करके चक्रवर्ती राजा बनाए देते हैं। तो तुम बच्चे आते हो यहां चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, तो क्या करना चाहिए है? अरे चक्कर लगाना चाहिए कि नहीं? ईश्वरी सेवा का चक्कर लगाना चाहिए। राजा ऐसा बनने के लिए ये करना भी जरूरी है, क्योंकि इसको कहा जाता है पढ़ाई, प्रैक्टिकल पढ़ाई या सिर्फ थ्योरी है? प्रैक्टिकल भी, प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ है या बिना शरीर के? प्रैक्टिकल शरीर के साथ कि बिना शरीर के? शरीर के साथ। हाँ, तो ये पाठशाला है, इसमें ये प्रैक्टिकल पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है और थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। ओम शांति।